उम्मीद है तमाम व्यूवर काफ़ी अच्छे होंगे। आज मैं दूसरी वीडियो के लिए हाजिर हूँ और इस वक्त जो है अलादीन पार्क के अंदर कॉन्टिनेंट क्लब जो इलीगल बना हुआ था उसको डिमोलिश किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के मुताबिक, और ये कार्रवाई शुरू हो चुकी है। और बेवक उस पर 3 मशीनें यहाँ पर आपको नज़र आ रही होंगी वो काम कर रही हैं और 2 मशीनें बाहर की तरफ हैं। और ये मैं आपको मनाज़िर दिखा रहा हूँ, ये काफ़ी बड़ा पवेलियन क्लब बना हुआ था पवेलियन एंड क्लब के नाम से, सबको डिमोलिश किया जाएगा इस पूरी बिल्डिंग को। यहाँ पर जो है पिलरों को डैमेज किया जा रहा है ताकि इसको गिराया जा सके। स्क्रीन पर आप नज़र आ रहा होगा बेबस, और ये गिरा, ये ऊपर गिर गया और ये अल्लाह ने करम किया है। अब कुछ पता नहीं कि कोई खुदा ना खासा कोई दबा तो नहीं है, ये टू डेंजरस था ये। ये टू डेंजरस था, अल्लाह का शुक्र है कोई इसके करीब में मौजूद नहीं था। और हमेशा मैं ये कहता हूँ कि दूरी इख्तियार की जाए जहाँ भी ये डेमोलिशन का काम हो रहा होता है, किसी वक्त भी ये गिर सकता है। इसमें मशीन मैन ने भी अपने आप को बचाया है। इस मनाजिर को आप स्लो मोशन में देखें कि कितना ख़तरनाक लम्हा था, ये अल्लाह ने करम किया, ये देखें। और ये मनाजिर आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये पूरी बिल्डिंग का छज्जा एक तरफ गिर गया था। लोगों को चाहिए कि इससे दूर रहें, अल्लाह ने करम किया है। ये देखें ये पूरा का पूरा हिस्सा नीचे की तरफ आ गया, तो अल्लाह का शुक्र है कि कोई बंदा मौजूद नहीं था और अल्लाह ने बड़ा करम किया। लेकिन मशीन डैमेज हुई है, और जब भी इस तरह का काम हो इससे दूर रहा जाए क्योंकि किसी भी टाइम ये गिर सकती है। ये थोड़ी सी नातजर्बेकारी थी मशीन में, लेकिन ऐसे मौक़ों पर यारो खान बहुत याद आता है जो बड़े टेक्निकल अंदाज से बिल्डिंगों को गिराता है, उसको तजर्बा बहुत है। और इस मशीन का जैक जो है वो टेढ़ा हो गया क्योंकि पूरी की पूरी आधे से ज़्यादा जो पोर्शन है वो इस मशीन के ऊपर आके गिरा, लेकिन अल्लाह ने करम किया। ये तकरीबन इसको पूरे को डिमोलिश करने में 20 से 25 दिन लगेंगे, काम बहुत ज़्यादा है। पूरा हिस्सा जैसे मैंने आपको दिखाया ये पूरा जाएगा। तो मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पाकिस्तान जिंदाबाद।